सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है विशाल। तो दोस्तों, आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, जो मेरी पिछली वीडियो थी वो थी शैडो फैक्स। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो होगी, जैसे आपने थंबनेल में देख रखा है, आज की जो वीडियो होगी हमारी वो होगी स्विगी के ऊपर। तो दोस्तों, शुरू से लेकर एंड तक मैं आपको सारी चीज़ बताऊँगा, इसका क्या प्रोसेस है, आईडी कैसे बनेगी और आप कितना अर्न कर सकते हैं महीने का या फिर डे का कितना अर्न कर सकते हैं। तो मैं ये सारी चीज़ें आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन से दिखाऊंगा, मोबाइल स्क्रीन वीडियो से। तो प्लीज़ शुरू से लेकर एंड तक वीडियो का ज़रूर देखना। और दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बहुत ज़रूरी बताने वाला हूँ, जो मेरा ये चैनल है, मैं इस पर हर तरीके की वीडियो दूंगा, व्लॉगिंग, चैलेंज और कॉमेडी, एक्शन वीडियो सारी। तो दोस्तों, अभी मैं थोड़ा बंधा हुआ हूँ, कुछ दिनों में मैं DSLR लेने वाला हूँ, तो वीडियो अगली वीडियो उसी से शूट होगी और बहुत ही अच्छी होगी। तो दोस्तों, अभी बोल दूं मैं आपको, अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो दोस्तों, आ गए हम अपनी मोबाइल स्क्रीन पे। शुरू से लेकर एंड तक बताऊंगा आपका इसका प्रोसेस कैसे क्या है, कैसे क्या नहीं है। तो दोस्तों, आपका कोने में दिख रहा होगा 3 डॉट, ये वाला। तो दोस्तों, 3 डॉट पे क्लिक करते हैं, आपकी आईडी आ जाएगी और ये आपका आईडी नंबर आ जाएगा। आईडी नंबर आने के बाद दोस्तों, आप अपने यहाँ से इंसेंटिव चेक कर सकते हैं, कस्टमर टिप, लॉगिन हिस्ट्री, आप कितने घंटे लॉगिन रहे, राइड गाइड्स देख सकते हैं, मैसेज सेंटर रिपोर्ट और जो भी आप इसमें से देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको जल्दी जल्दी बताऊँगा, मैं वीडियो लंबी नहीं करना चाहता, ओके। तो जो दूसरा ऑप्शन है वो है SOS, तो इस पर क्लिक करते हैं। तो गाइज, इस पर क्लिक करने के बाद आता है आपका एमरजेंसी सिचुएशन। तो कॉल स्विगी एमरजेंसी हेल्प, कॉल एम्बुलेंस, कॉल पुलिस। तो दोस्तों, अगर आपको रात बिरात कोई भी दिक्कत होती है तो आप इनको कॉल कर सकते हैं। और दोस्तों, जो तीसरा ऑप्शन है वो है मैप। तो दोस्तों, ये जो ऑप्शन है ये है हाई डिमांड एरिया बोलते हैं इसको। अगर आपके पास ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, बाई चांस ऑर्डर बहुत टाइम बाद बज रहे हैं, तो आप इस हाई डिमांड एरिया में भी जाके ऑर्डर पिक कर सकते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा पर यहाँ से ऑर्डर आपको ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, करते आते हैं अब चौथे ऑप्शन के ऊपर। ये है चौथा ऑप्शन जो है दोस्तों, ये है नोटिफिकेशन। तो दोस्तों, जैसे कि आपका ऑर्डर कैंसिल होता है, नोटिफिकेशन आती है, आपको कोई टिप मिलती है तो नोटिफिकेशन आ जाती है, या आपका कुछ भी गड़बड़ होती है तो नोटिफिकेशन के थ्रू आपको पता चल जाता है, ओके गाइस। तो आपका जो पाँचवा ऑप्शन है वो है हेल्प का। तो दोस्तों, आपको मतलब जिससे भी रिलेटिव बात करनी हो, ऑर्डर रिलेटिव, या आपका कोई पेमेंट रुक गई है, स्विगी वालों की तरफ से कोई पेमेंट नहीं आई है, वैसे तो पेमेंट टाइम टू टाइम देते हैं, नेक्स्ट डे दे देते हैं, अगर आपने आज काम किया है तो वो अगले दिन पेमेंट आपको प्रोवाइड कर देंगे आपके अकाउंट में। तो ऑर्डर रिलेटिव इशू, तो यहाँ से जो भी आपको इशू लग रहा है आपकी प्रोफाइल में, तो आप यहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आ जाते हैं शिफ्ट डिटेल पे। शिफ्ट डिटेल का मतलब ये होता है, जैसे 4 से 2 बजे की आईडी है, यानी सर गाइस आप समझ सकते हैं, 4 से 2 बजे की आईडी 10 घंटे, यानी 10 घंटे, तो इन 10 घंटे में से आपको 8 घंटे कैसे ना कैसे ऑनलाइन रहना है, ओके। ऑनलाइन रह के कंपनी को 8 घंटे देने हैं। तो ये आग हो गई इसकी बात, अब चलते हैं। तो दोस्तों, ये जो सेकंड वाला दिख रहा है सर्चिंग फॉर ऑर्डर, इसमें जब आपका ऑर्डर बजेगा, आप पहला ऑर्डर मार चुके होंगे, तो यहाँ पे आपका पेमेंट शो करेगा, आपने कितने रुपए कमा चुके हैं। और जो ये आ गया है ये वाला, तो इसमें दोस्तों इसका बता देता हूँ, डेली इंसेंटिव ऑर्डर रनिंग। तो दोस्तों, अगर आप 350 का टारगेट कर रहे हैं तो आपको 300 रुपये इसमें मिलेंगे, अगर आप 425 का काम कर रहे हैं तो 350 रुपये इसमें मिलेंगे। तो दोस्तों, मेरे को इसमें तब मज़ा आता है शनिवार सैटरडे संडे मज़ा आता है, जो 350 है तो 300 तो इतना ही रहेगा, जो दोस्तों ये वाला है ना, ये 450, तो इंसेंटिव यहाँ पे आ जाता है 500 रुपये का। तो ये खाली 2 डेज रहता है वीक में, सैटरडे संडे। तो आप, मैं तो ये बोलूँगा यार, सैटरडे संडे छोड़ो ही मत, सैटरडे संडे करो, बहुत अच्छा इंसेंटिव मिलता है, 500 रुपये डायरेक्ट। और जो दोस्तों, और बाकी आप इसमें आगे देख सकते हैं, ये बताएगा आपको कितना आप कितना काम कर चुके हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, एक सेकेंड, तो इसमें देखिए ऑर्डर कैसे बसते हैं। ये मेरे कल 5 तारीख का है, ट्यूजडे 5 अप्रैल। तो देखिए दोस्तों, ऑर्डर आपके कितने कितने किलोमीटर के बसते हैं। 16 रुपये का ऑर्डर है, तो 16 रुपये का ऑर्डर है, कितना किलो, 1 किलोमीटर भी सही से नहीं था, 18 मीटर में ही हमें डिलीवर करना पड़ा, ठीक। तो ऐसे ऐसे ऑर्डर मिलते हैं। तो गाइज, मैंने 425 का मैंने टारगेट किया था, तो आप देख सकते हैं मेरे को डेली इंसेंटिव 350 का इसमें मिल चुका है। तो सबसे अच्छा लगा मेरे को स्विगी में वर्क करके, बहुत ही अच्छा लगा। तो अगर आपको भी ज्वाइनिंग करनी है तो दोस्तों,
बाइक की आईडी बनवाओ, बहुत इसमें प्रॉफिट मिलेगा। बाइक की आईडी के लिए वही आपको नॉर्मली आरसी लाइसेंस इंश्योरेंस बाइक होनी चाहिए आपकी अपनी, तो आपकी आईडी बन जाएगी। और आप आईडी कहाँ बनेगी, आपके नज़दीकी स्विगी ऑफिस में ही आईडी बनेगी। ऑनलाइन तो आपको बस खाली ट्रेनिंग करनी होती है, बाकी आईडी जो बना के देते हैं वो गाइस स्विगी वाले ही बना के देते हैं। तो मैं आपको अभी, मेरा ऑर्डर बजा नहीं है, मैं 4 बजे का ही ऑनलाइन हूँ, मेरा अभी कोई ऑर्डर बजा नहीं है। जब ऑर्डर बजेगा तो मैं आपको ये भी बताऊँगा कि ऑर्डर कैसे पिक करें और ऑर्डर कैसे आगे डिलीवर करें, ठीक है दोस्तों, कैसे डिलीवर मारें और कैसे ऑर्डर पिक करें। तो एक चीज़ और, इसमें 2 आईडी होती है गाइज, एक होती है इंस्टामार्ट और एक होती है फूड। तो मेरी इंस्टामार्ट की आईडी है, जो इतने पैसे कम मिल रहे हैं ना, 21 रुपये और 28 रुपये 30 रुपये जो ऐसे मिल रहे हैं वो इंस्टामार्ट में ही देते हैं। और बाकी अगर आप फूड वाली बनाएंगे तो 60 रुपये ऑर्डर, 80 रुपये ऑर्डर, 100 रुपये ऑर्डर भी बचते हैं। तो आपके ऊपर है वो कि आपको कौन सी आईडी बनानी है। तो दोस्तों मैं इसमें कुछ बताना भूल गया था, तो उसके लिए सॉरी। तो मैं आपको ये बता दूं कि इसमें अगर आप ज्वाइनिंग करते हैं तो आप कितना अर्न कर सकते हैं पर डे का। दोस्तों अगर आप सही से दिमाग से इसमें काम करेंगे तो 1000 पर डे, यानी 1000 रुपये पर दिन का कमा सकते हैं। और 1000 रुपये पर डे और 30 दिन के गाइस इसमें अगर आप मंथली जोड़ोगे तो 30,000 रुपीज़ आप इसमें कमा सकते हैं, यानी 30,000 रुपये आप इसमें कमा सकते हैं। और गाइस इसमें मैं आपको बता दूं, पेट्रोल भी पर डे 100 रुपये ही लगता है, ज़्यादा दूर दूर के ऑर्डर नहीं मिलते। मैं आपको फिर बता दूं, ज़्यादा दूर के ऑर्डर नहीं बचते कि आपको 200-300 का पेट्रोल डलवाना है इसमें। गाइस कम से कम ऑर्डर बचते हैं, कम से कम किलोमीटर के ऑर्डर बचते हैं, तो ये मत सोचना कि 200-250 का पेट्रोल लगेगा। नहीं गाइस, मैं खुद कर रहा हूँ और मैं खुद 100 रुपये का या 120 का पेट्रोल डलवाता हूँ घर जाने के लिए। 120 लास्ट में 120 का डलवाता हूँ और बाकी 100 रुपये का ही डलवाता हूँ। 120 का भी तभी डलवाता हूँ जब सैटरडे संडे होता है, बाकी अदर डे खाली 100 रुपये का। 100 रुपये का पेट्रोल गाइस बहुत है इसमें, कम से कम आपकी समझ लेना 40-45 किलोमीटर बाइक चलेगी और उसमें आप 1000 रुपये की अर्निंग करके जा सकते हैं। और यानी आप 30,000 रुपये अगर मंथली कमा रहे हैं तो आपका 3,000 रुपये पेट्रोल अलग निकाल दीजिए, फिर भी गाइस 27,000 रुपये फिर भी बच रहे हैं, जो कि काफ़ी होते हैं डिलीवरी पार्टनर राइडर के लिए। ओके गाइस, तो अभी मेरा ऑर्डर अभी भी नहीं बजा है, देखिए कितना टाइम हो रहा है, तो ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। मेरा ऑर्डर बसता है 6:30 या 7 बजे, तो जैसे ही ऑर्डर बसता है मैं दोबारा स्क्रीन रिकॉर्डिंग करूँगा और आपको दिखाऊँगा कैसे डिलीवर करते हैं और कैसे पिक करते हैं। तो मेरा पहला ऑर्डर आ चुका है 16 रुपये का 26 मीटर में, तो मैं इसको कंफर्म करता हूँ। तो दोस्तों कंफर्म हो गया है, तो मैं इन्हीं की एरिया में खड़ा हूँ, तो यहाँ से क्लिक करेंगे और इसको कंफर्म कर देंगे कि हाँ हम होटल के आसपास ही हैं या नीचे हैं। कंफर्म कर दिया गाइस, तो यहाँ पे आपके आइटम आ जाएंगे कि कौन कौन से आइटम है। तो दोस्तों ये जो ब्लिंक कर रही है ना ऑरेंज लाइट, जब आप कोई ऑर्डर लेने जाएंगे तो इसको आपको नंबर बताना है जब ऑर्डर लेंगे आप, 4764 ये बताएंगे जब ही आपको ऊपर ऑर्डर देंगे। तो जैसे कि ये है नाम है ये, तो 4 आइटम आपको पिक करने हैं। पिक करने के बाद गाइस आपको कंफर्म आइटम करने के बाद पिक कंप्लीट इसको क्लिक करने के बाद गाइस यहां पे अभी कस्टमर की लोकेशन नहीं दिखाएगी, इसको पिक करने के बाद कस्टमर की लोकेशन यहां पे क्लिक करेंगे आपको दिखा देगी कि आपको कहां पहुंचाना है। और ज़्यादा पास नहीं है, मैं तो ये पैदल ही डाल दूंगा गाइस, मेरे को बाइक स्टार्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है, बस टारगेट करना होता है स्विगी में, तो ये तो मैं पैदल भी डालूँगा। तो अभी आइटम रेडी हो रहा है, तो दोस्तों अभी मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी जब आइटम रेडी हो जाएगा तो यहाँ ग्रीन कलर का थंबनेल बना जाएगा एक, तो अभी मैं बताऊंगा आप जब रेडी होगा। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे ग्रोसरी इज़ रेडी फॉर पिकअप, तो इन्होंने हमारा रेडी कर दिया ऑर्डर, तो हमें ऊपर जाना है और ऑर्डर लेके आना है और कस्टमर को डिलीवर करना है, तो सारा प्रोसेस दिखलाता हूँ, तो चलते हैं ऊपर। तो दोस्तों पहले मैंने कन्फर्म का बटन दबा दिया है, तो यहाँ पर अभी पिक कर देता हूँ कि मैंने ले लिया है ऑर्डर। तो वैसे देखिए यहाँ पे सुराभी करके नाम आ रहा है और यहाँ पे इनका एड्रेस, तो यहाँ पे इनका क्लिक करेंगे गाइस, यहाँ पे इनकी एड्रेस लोकेशन आ जाएगी कि हमें डिलीवरी कहाँ करनी है। तो बहुत ही पास में है ये, तो मैं पैदल ही जाऊँगा जैसे आपको बताया था, पैदल देके आ जाऊँगा, दूसरा ऑर्डर का वेट करेंगे। तो दोस्तों मैंने वीडियो दिखाने के कारण मैंने ये रीच डिलीवरी नहीं करी थी, रीच डिलीवरी लोकेशन। तो जैसे ही आप कस्टमर के पास पहुंच जाते हैं तो रीच डिलीवरी लोकेशन पर क्लिक करेंगे,
तो दोस्तों मैंने डिलीवर कर दिया है मैम को, तो यहाँ पे डिलीवर कंप्लीट कर देंगे और आपका डिलीवर कंप्लीट। और फर्स्ट डिलीवरी होने के बाद दोस्तों इसमें बैग का फ़ोटो मांगता है, तो मैं बैग लाया नहीं हूँ, मैं किसी भी डिलीवरी बॉय राइडर का इसमें बैग का फ़ोटो डाल दूँगा तो हो जाएगा। तो अभी कुछ काम नहीं करेगा जब तक मैं बैग की फ़ोटो नहीं डालूँगा। तो 8 घंटे में पूरे ऑनलाइन रहूँगा गाइस, तो 8 घंटे के अब बाद ही मैं आपको दिखलाऊँगा मैंने कितना अर्न किया और कैसा इसमें काम करने का रहेगा और आप कैसे काम कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने मैडम को ऑर्डर दे दिया है, तो ऑर्डर देने के बाद कुछ ऐसा दिखता है कि वन ऑर्डर और नीचे इसकी अमाउंट आ जाती है कि आपका कितने रुपए अर्न हुए हैं। तो दोस्तों ऐसे ही ऑर्डर यहाँ पे जितने भी आप ऑर्डर मारोगे वो यहाँ पे काउंट होते रहेंगे और जो आपकी पेमेंट होगी वो यहाँ पे। तो दोस्तों देखिए मेरा दोबारा ऑर्डर बच गया है 1.26 किलोमीटर का, तो इसे भी कन्फर्म करते हैं। तो गाइज मैं यहाँ पे अब यहाँ 5:48 हो रहे हैं, तो पूरे मैं 8 घंटे ऑनलाइन रहूँगा। तो अब मिलते हैं 8 घंटे के बाद, तो 8 घंटे के बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कितना अर्न किया है और कितना मेरा पेट्रोल लगा है। पेट्रोल का तो मैंने आपको बता दिया है, तो मिलता हूं मैं 8 घंटे के बाद वीडियो स्क्रीन पे। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं 8 घंटे के बाद ही आपको स्क्रीन वीडियो दिखलाऊँगा, तो आप देख सकते हैं कि 12:16 हो गए हैं और मैं 4 बजे का ऑनलाइन था। तो दोस्तों जैसे ही मतलब अगला दिन शुरू होता है ना, तो यहाँ से जो पेमेंट होता है, पेमेंट शो करता है, वो भी हट जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको मैं आपको दिखला दूंगा कि मैंने कितना टारगेट करा। तो दोस्तों ये टारगेट हो चुका है मेरा 350 का, जिसमें मुझे 300 इंसेंटिव 6:06 सुबह AM में मिल जाएगा या फिर 5 बजे के बीच में, इन दोनों के बीच में मिल जाएगा। तो दोस्तों इससे क्या नाम है, 12 बजे तक ना 425 वाला हो जाता है, लेकिन क्या हुआ हमारे में थोड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है हमारे इंस्टामार्ट में मयूर विहार में। तो मैं दूसरी जोन में आया हूँ, दूसरी जोन में काम कर रहा हूँ, तो जिस कारण बहुत ही ज़्यादा लेट ऑर्डर भजा है। तो मैं आपको दिखलाता हूँ कि हमने कितना काम किया आज। तो दोस्तों देख सकते हैं वेनेसडे 6 तारीख, ठीक है, वेनेसडे 6 तारीख में हमने 357 का, यानी हमने टारगेट पूरा करा। तो हमें सुबह चल के 300 का इंसेंटिव यहाँ पे शो कर जाएगा, जैसे 781 है यहाँ इंसेंटिव लिख के 300 रुपये 100 हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, और आप कमेंट में किसी भी वीडियो में कमेंट करना है, साइड इफेक्ट्स, जोमैटो, रैपिडो, मैं आपको हर चीज़ में कमेंट का रिप्लाई करूँगा। तो प्लीज़ सपोर्ट करें, प्यार बनाए रखें।